हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है एक नई एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे एमआई के वाईफाई रिपीटर की। अब यहाँ पे बात आती है कि वाईफाई रिपीटर का काम क्या है। आज हर घर पे वाईफाई मॉडेम हम लोग को मिल जाएगा, और वाईफाई का मतलब सबको पता है, जब से जियो मार्केट में आया है तो लोग अपने फ़ोन को एज अ वाईफाई हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं। तो लोगों को वाईफाई का मतलब पता है, वाईफाई के थ्रू वो लोग वायरलेसली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। कॉमन लैंग्वेज में बोले तो वाईफाई का मतलब यही होता है। बाकी वाईफाई से हम लोग फाइल शेयर भी करते हैं। पहले की बात करें तो हम लोग ईथरनेट के थ्रू अपने नेट यूज़ करा करते थे। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, आज हम लोग वायरलेसली अपने डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई राउटर कुछ इस तरीके से दिखता है। राउटर में जो हम लोग को एंटीना दिखता है, उसमें से सिग्नल्स निकलते हैं और वो हम लोग के डिवाइसेस तक आते हैं, और फिर हम लोग के डिवाइसेस से सिग्नल्स वापस जाते हैं राउटर में। तो इसका मतलब वाईफाई की भी एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर हम लोग रहेंगे तो हमारे डिवाइस अच्छे से सिग्नल रिसीव कर पाएगा। अब बात आती है, अगर हम लोग उस रेंज के बाहर जाके अपने डिवाइस को यूज़ करते हैं, एक टाइम आएगा जब नेटवर्क बहुत वीक हो जाएगा, वो कनेक्ट होगा डिसकनेक्ट होगा, फिर थोड़ा और दूर जाएंगे तो हम लोग का डिवाइस एकदम डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद काम आता है वाईफाई रिपीटर का। वाईफाई रिपीटर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वाईफाई सिग्नल्स को रिपीट कर देता है। जहाँ पे हमारे वाईफाई राउटर की रेंज खत्म हो रही हो, वहाँ पे हम लोग इसको इंस्टॉल कर देंगे, और वाईफाई रिपीटर उन सिग्नल्स को कैच करके और आगे बढ़ा देगा। तो ओवरऑल हमारे राउटर की रेंज बढ़ गई। हमारे राउटर की रेंज प्लस इसकी रेंज, दोनों को मिला के जो रेंज नेट निकलेगी, उससे हम लोग को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज, यही है वाईफाई रिपीटर का काम। आइए हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि एमआई की तरफ से ये प्रोडक्ट कैसा है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया है और ये मुझे 799 का पड़ा है। आइए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या है इसके बॉक्स कॉन्टेंट। फ्लिपकार्ट की तरफ से ये हमें एक येलो पैकेट में देखने को मिलता है। इस पैकेट को हटाते हैं तो हमें एक बबल रैप मिलता है। बबल रैप को हटाते हैं तो हमें देखने को मिलता है व्हाइट कलर का वाईफाई रिपीटर। पैकेट के बैक में देखेंगे तो हम लोग को एक बार कोड देखने को मिलेगा, और नीचे आएंगे तो हम लोग को मिलेगा एमआई वाईफाई रिपीटर 2। और यहाँ पे दी हुई है 300 मीटर्स की रेंज, एमआरपी है 999, मॉडल इसका है R02, और बाकी इसके कुछ और डिटेल्स। डिवाइस भी निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक वाइट कलर का वाईफाई रिपीटर, रीसेट का बटन, एलईडी लाइट और एक एमआई का लोगो। पीछे घूमाएंगे तो पीछे से एकदम ये प्लेन है, और यहाँ पे एक वाईफाई प्लस का बैच दिया हुआ है। पीछे यहाँ मेंशन है कि एमआई होम ऐप को इंस्टॉल कर लें, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाईफाई रिपीटर को कहीं पे कनेक्ट कर लें जहाँ पे हमें वाईफाई सिग्नल स्ट्रॉन्ग चाहिए। मैं इसे फिलहाल के लिए अपने कंप्यूटर पे ही प्लग इन करता हूँ, और यहाँ पे इस डिवाइस पे चली एक येलो वाला की लाइट, और यहाँ पे हम जल्दी से एमआई होम ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर पे जाके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है। एमआई होम ऐप हमारे मोबाइल पे इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे करेंगे ओपन, यहाँ करेंगे इसे एग्री, और यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, यहाँ दबाएंगे हम ऐड डिवाइस, और ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हम टैप करेंगे ऐड डिवाइसेस पे, यहाँ पे दिखा रहा है एमआई वाईफाई रिपीटर, इसको हम लोग टैप करेंगे। अब यहाँ सर्चिंग फॉर वाईफाई दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये उस नेटवर्क का नाम पूछेगा जिसका सिग्नल आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये रहा मेरा। और यहाँ पे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड, जो आपका राउटर लगा हुआ है उसके वाईफाई का पासवर्ड इनपुट करेंगे, यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये लोडिंग करेगा। अब जब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे डिवाइस के कलर में कैसा डिफरेंस आ रहा है। अब इसकी लाइट हम देखेंगे तो ब्लू कलर की हो गई है और स्टेबल हो गई है, और हमारे फोन पे दिखाता है कनेक्टेड सक्सेसफुल। अब यहाँ हम लोग करेंगे डन, ओके। यहाँ पे एमआई वाईफाई रिपीटर 2 को ऑनलाइन दिखा रहा है, इसको टैप करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे हमारा डिवाइस सेटअप हो गया है, और यहाँ पे इसने एक नया SSID अपना बना लिया है, जो मेरा मेन राउटर है उसी के नाम से, और उसके आगे इसने प्लस ऐड कर दिया है। तो यहाँ से आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं, और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो आपके मेन राउटर का पासवर्ड है वही रहेगा यहाँ पे।
तो आप यहाँ पे नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा। और बस यही है पूरा प्रोसीजर कि हम इसको कैसे सेटअप करेंगे। तो गाइज यही था MI Wi-Fi रिपीटर 2 का अनबॉक्सिंग, हैंड्स ऑन सेटअप, सब कुछ एक ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm out, I leave you lonely.